आज मैं अपने सत्य सनातन यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट बलिया में भृगु भूमि इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आया हूँ और हमारे सर हैं सर नमस्कार सर, आपके विद्यालय में आकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने देखा यहाँ पर योग का कार्यक्रम चल रहा था, तो ये आपके मन में योग का भाव कैसे? देखिए सर, प्रथम तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप वृंदावन से आए और आपका जो सत्य सनातन यूट्यूब चैनल है, आपका और आपके चैनल का मैं आभारी हूँ कि आप भृगु भूमि विद्यालय में आए हैं और योग शिविर जो हम लोग इस महीने में कर रहे हैं, क्योंकि विश्व योग दिवस पूरे संसार पूरे विश्व में मनाया जाना है 31 जून को, उसी के तैयारी यहाँ पर लगभग 10 दिन से हो रही है और एक बहुत बड़ा आयोजन 21 जून को विद्यालय प्रांगण में किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मैं अपने सत्य सनातन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा विद्यालय का पूरा वीडियोग्राफी किया हूँ और पूरा योग और योग के बाद हवन का जो कार्यक्रम हुआ उसको भी दर्शाया। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस विद्यालय को इतना भृगु जी की कृपा हो कि विद्यालय इंटरनेशनल लेवल में ये ख्याति प्राप्त करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज बलिया जिला की पावन धरती भृगु नगरी, जहाँ पर भृगु नगरी के इस भूमि पर बाबा भृगु जिन्होंने भगवान विष्णु के सीने पर अपना पाद प्रहार किए थे, उनकी यह तपस्थली है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या बिगाड़े विष्णु जो भृगु मारे लात। इसकी कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन महर्षि भृगु जी सृष्टि का संचालन करने के लिए नियुक्त करने जा रहे थे कि सृष्टि का संचालन कौन करेगा, जिसमें कि ब्रह्मा जी भी सक्सेस नहीं हुए, शिव जी भी सक्सेस नहीं हुए, लेकिन भगवान विष्णु सक्सेस हुए। उनकी यह तपस्थली बलिया और उन्हीं के नाम पर भृगु भूमि इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है और मैं आज स्कूल का ये सत्य सनातन यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर योग क्लास चल रहा है। और योग क्लास के बाद यहाँ पर यज्ञ भी होगा। बैठ करके आसन करने किया अभी तक 18, अब आगे का आसन करेंगे। बहुत ही सुंदर बलिया जनपद का ये बलिया जनपद उत्तर प्रदेश भारत, वहाँ का माना जाना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है। जो पैर मुड़ेगा उस पैर, ये बच्चे यहाँ पर योगा कर रहे हैं और विपरीत पैर सीधा रहेगा, उसके सामने का हाथ उस जो पैर मुड़ा रहेगा उस पैर के घुटना और छाती के बीच से क्रॉस करेंगे इसे और फिर धीरे धीरे करके कंधे को भी छू करके कर सकते हैं या इसको और कठिन करने के लिए अपने को पकड़ लें इसे आपका रास्ता और आपका मोटापा कम होगा, गैस नहीं रहेगा और कमर दर्द में लाभ देगा। कमर दर्द का है तुरंत कराइए, तुरंत लाभ पाइए। वक्रासन फिर से कर देंगे, मारुत्यासन या वक्रासन, मारुत्यासन या वक्रासन। Thank you.
बहुत ही सुंदर यह स्कूल है बलिया जिले का। भृगु भूमि इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तीन से पांच बार करना है, इसके बाद सलाबार। सांस खाली करेंगे, पैर नीचे रखेंगे, लंबा सांस भरेंगे, दूसरे पैर बात नहीं करना है। कमर की समस्याओं के लिए, स्लिपी डिस्क की समस्याओं के लिए बहुत लाभदायक यह सेतुबंध आसन है, और कंधा जिनका बाहरी रहता है कंधे को लाभ पहुंचाने का काम करता है सेतुबंध आसन। विश्राम। अब कठिन सेतुबंध आसन क्या है उसके लिए देखिए। दूसरी बार लेंगे जल को। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार लेंगे। ओम सत्यम यशस्त्रमयि सहस्रकम स्वाहा। दूसरे हाथ से जल लेंगे, अंग स्पष्ट करेंगे। अंग स्पष्ट करना है। ओम वांगमाशस्तु। ओम नसो में प्राणस्तु। दाएं नाक से बाएं नाक को स्पर्श करेंगे। ओम अक्षों में चक्षुरास्तु। दाएं आंख से फिर बाएं आंख को स्पर्श करेंगे। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। दाएं कान फिर बाएं। ओम बाहोर में बलम आस्तु। दाएं कंधे बाएं। ओम ऊर्ध्वो में ओजस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुषतन्वमेश सन्तु। ध्यान करेंगे, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी प्रार्थना उनको बुलाएंगे, उनको आह्वान करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आशुवा। ओम यौरोपृथ्वी चृणा ये स्वास्तम ये नाक यो यंतरिक्ष रजसो विमान कस्मा देवाय हर्षा विधीम। ओम तीव्र होने के लिए अपने अपने हाथों से अपने स्थानों पे पावन को घुमाएंगे ताकि अग्नि आपकी तीव्र हो। अग्नि देव का बीच। ओम
स्वाहाय नमः।